स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट फिजिक्स में देखिए, हम जो इसका पहला जो टॉपिक था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें क्या कर रहे थे, उसमें जो हम न्यूमेरिकल की सीरीज चला रहे थे, ठीक है, उसमें हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, कहीं कहीं क्या हो सकता है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल भी होगा और थ्योरी पोर्शन भी होगा, ठीक है। तो जो थ्योरी पोर्शन होगा उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी न्यूमेरिकल हम इस पर व्हाइट बोर्ड पर बता रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं, ठीक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक से आप लोग देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकरण क्या है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। देखिए, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला पार्ट दिया गया है वो है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन पहले कर दिया था, ठीक है, कि किसी भी जो है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। हमने देखिए, जो हमने जो दूसरा वीडियो बनाया था, सेकेंड वीडियो, ठीक है, उसमें हमने आप लोगों को बताया होगा कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, आवेश संरक्षण का नियम और कूलाम का नियम, जहाँ पे हम ये तीनों को डिस्कशन किया था वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। हम 16:60 में बता देते हैं कि इसमें जो क्या होता है कि इसमें जो हमने लिखवाया होगा कि Q=± ne, ठीक है, किसी भी वस्तु का आवेश जो होगा उसका जो मूल आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। ये हमने आपको आवेश के क्वांटीकरण में बताया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट ए है वो वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, ठीक। अब देखिए, अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 में जो बी पार्ट है, ठीक है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, अर्थात इसमें हिंदी लिखी जाएगी, ओके। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो पार्ट दिया गया है, लिखा गया है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या लिखना है, हम इसको जो है बोल रहे हैं, आप लोग जो है अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा कि इसमें लिखेंगे कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं होता है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, ठीक है। क्यों जो है इसकी उपेक्षा की जा सकती है, क्यों, इसका कारण यह है कि जब हम बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाले मूल आवेशों की तुलना, जो आवेश होते हैं और जो मूल आवेश होते हैं उसके अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि अगर 1 माइक्रोकूलाम आवेश में लगभग, जो इसमें क्या होता है, उदाहरण में ले रहे हैं कि 1 माइक्रोकूलाम में लगभग 1013, कितने 1013 जो होते हैं वो मूल आवेश सम्मिलित होते हैं, 1013 इसमें क्या होते हैं, मूल आवेश सम्मिलित होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4th का बी पार्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यह कह सकते हैं कि आवेश को, ये जो स्थूल अथवा जो बड़े पैमाने पर जो हम इसको बता रहे हैं कि क्या आवेशों के क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है, ठीक है, तो इसमें जो है इसकी, इसका कोई महत्व नहीं होता आवेशों के क्वांटीकरण में, ठीक है, इतना ही लिखना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, हमने एक प्रयोग आप लोगों को बताया होगा, प्रयोग बताया था कि जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें आप लोग देखेंगे कि कांच की जो छड़ होगी उसको जब रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि जो कांच की छड़ होगी वो आवेशित हो जाती है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी क्रम में जो है दूसरा क्वेश्चन दिया गया, हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा, लिखा गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, ठीक, तो दोनों पर आवेश आ जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है।
इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। देखिए, हमने कांच का प्रयोग बताया था, उसके बाद में भी बताया था, ठीक है, एबोनॉइड की जो क्षण होगी उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, इसमें यही बताया गया। तो इससे क्या कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखिए, संरक्षण नियम में क्या होगा, जो हमने आवेश का संरक्षण नियम बताया था, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो वस्तुएं, ठीक है, उन पर अगर देखिए उन पर क्या होगा, उनको आपस में जब रगड़ा जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो है कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा। और आवेश संरक्षण में इसमें क्या होगा, जब उसको आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो जो उनका नेट जो चार्ज होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बराबर दोनों पर आवेश हो जाता है, ठीक है। तो यह कह सकते हैं कि अगर आवेशन के दौरान दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों का जो नेट आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। और अगर इसमें दो अन्य दो प्रयोग अगर लिखने हैं तो जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जाहिर से क्वेश्चन होगी, ये पहले भी हमने आपको एक्सप्लेन कर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या दिया था कि अगर कोई आवेश, ठीक है, आवेश जो है चार बिंदु आवेश दिए थे, QA, QB, QC और QD, ठीक है, ये हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। और इसमें कह रहा था कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये हमने जो ये बनाया है ये एक स्क्वायर है, इसकी भुजा जो है कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर में आपको मालूम है कि इसकी जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ये 10 होगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। इसके जो आवेश दिए गए हैं, ये दिए गए हैं इसके कोने पर जो आवेश दिए गए हैं, ठीक है, कॉर्नर पे QA, QB, QC और QD निकाल लिए, ठीक है। हमने इसको डायगोनल इसको खींच दिया, ठीक, विकर्ण खींच दिया। विकर्णों में खींचने के बाद में कह रहा है कि इस पे जो इसका जो मध्य बिंदु का बीच में, ठीक है, केंद्र पर कह रहा है, इसका हमने मान लिया ये Q0 आवेश है और ये 1 माइक्रो कूलम्ब दिया है, ठीक है। सवाल एक बार पढ़ रहे हैं, इसको सुन लीजिएगा और फिर इसको लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए दिया है चार बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD, ठीक, व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD, ठीक है, के शीर्षों पर अवस्थित हैं, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम्ब, केंद्र जो होगा ये इसका केंद्र होगा सेंटर, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम्ब आवेश पर लगने वाले बल। देखिए जो सेंटर पर इसका बल पूछ रहा है कि इसका बल जो है कितना होगा, ठीक। तो देखिए बल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या है, देखिए इसको समझिएगा फिगर। एक स्क्वायर बनाया, इसके ABCD जो कॉर्नर थे उस पर जो हमने इसके आवेश रख दिए, उसके बाद में क्या होगा, इसके डायगोनल खींच दिए। डायगोनल खींचने के बाद में इसका हम फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैसे निकाल, देख लीजिए। देखिए ये जो डायगोनल है, ठीक है, इस पर जो है कितना 2 माइक्रो कूलम्ब और 2 माइक्रो कूलम्ब, अर्थात इस पर प्लस चार्ज और इस पर भी प्लस चार्ज है, समझ रहे हैं कि नहीं। और जो प्लस चार्ज है तो इसमें रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, तो रिपल्सन जो होगा वो सेंटर से इसका, देखिए हमने इधर की दिशा दर्शाई इधर, अर्थात जो है डायगोनल पर हमने इसको रिपल्सन प्रतिकर्षण दर्शा दिया। प्रतिकर्षण में हमने बताया था कि जब दो समान आवेश, समान पहला वीडियो देखेंगे दूसरा वीडियो देखेंगे, हमने सब बताया आप लोगों को। रिपल्सन में क्या होता है कि जब समान आवेश जो है आपस में एक दूसरे से दूरी पर रखें तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसी प्रकार इसमें भी लगेगा, इसी प्रकार इसमें, क्यों, क्योंकि -5 माइक्रो कूलम्ब और -5 माइक्रो कूलम्ब। अब देखिए बल कैसे निकालेंगे, बल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ज़रूरत पड़ेगा इसमें इसकी एक जो है भुजा, एक सॉरी ये वाली ये जो डायगोनल है इसका जो है बाइसेक्ट इसको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए निकालने का तरीका ये होगा कि जो इसके डायगोनल हो गए वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें OA और OB और OC और OD ये सब क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताइए। OA, OB, OC और OD क्या होंगे, आपस में डायगोनल इसके इक्वल होंगे, ठीक, जो बाइसेक्ट होंगे उसके, समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, मान लीजिए हमको OA की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो OA की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले जो हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया तो ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा होगी, होगी कि नहीं। तो ये 10 है, ये 10 है। अब जो हम पहले जो है एसी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो एसी की वैल्यू निकालने के लिए ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, अर्थात कर्ण। तो एसी की जब वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये तो आपस में बराबर होंगे। अगर हम एसी की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो एसी की वैल्यू बताइए क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, ठीक। और हमने बताया कि जो इसका डायगोनल होगा बाइसेक्ट कर रहा है, तो अर्थात जो ओए होगा, ओए जो होगा ओए, ठीक है, वो इसके हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो लिखेंगे ओए इक्वल हाफ अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक। चूँकि ओए बराबर है ओबी के, ओबी बराबर है ओसी के, ओबी बराबर है ओडी के, तो इसलिए ये सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में किसके बराबर होंगी, 1/2 अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। समझ लेना, बहुत कायदे समझ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है, और क्वेश्चन बहुत सरल है, ईजी है। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या करते हैं, अब इसका फोर्स निकालते हैं, क्या निकालेंगे, फोर्स, ठीक। अच्छा, हम इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा ये बताइए, ये 100, 100, 200, ठीक है। और 200 को क्या लिख सकते हैं, 200 को यहाँ पर आया अंडर रूट 200 अपॉन में 2, ठीक है। 100 इंटू 2 लिखेंगे, ठीक है, 100 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं क्या, 10√2/2, ठीक है, क्लियर है। तो इतनी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। आप देखिए फोर्स निकालेंगे, ठीक। फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम इसका फोर्स निकाल रहे हैं बिंदु ए का, ठीक है, मान लो हम फोर्स निकाल रहे हैं एफ ए बी का, ठीक है। किसका फोर्स निकाल रहे हैं, एफ ओ ए का फोर्स निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए फोर्स निकाल रहे हैं एफ ओ ए की, ठीक है। तो देखिए फार्मूला कैसे निकालेंगे, फार्मूला वही होगा, कौन सा, 1/4π0, ठीक। पहली चीज़ तो क्यू ए लेंगे, क्योंकि देखिए ए पर निकाल लें और ओ का, ठीक है, तो क्यू ए और क्यू नॉट लेंगे कि नहीं लेंगे, अपॉन में जितनी इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। डिस्टेंस हमने मान ली थी इसकी ओ ए है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ओ ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए एफ ओ ए की वैल्यू निकालेंगे और इसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे, डायरेक्शन किधर होगी, ओ से सी की ओर, डायरेक्शन किधर होगी, ओ से सी की ओर, इतनी चीज़ समझ में आ रही है, ठीक। वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू ऐसे रखो 1/4π0, ठीक। क्यू ए की वैल्यू कितनी थी, क्यू ए की वैल्यू 2 μC, तो इसको क्या लिखेंगे, 2×10⁻¹, ठीक, क्योंकि μC को जो बदलेंगे 10⁻¹ से। क्यू नॉट की वैल्यू थी 1 μC, तो इसको क्या लिखेंगे, 1×10⁻¹। क्यू ओ ए की वैल्यू कितनी थी, ओ ए की वैल्यू यही रहेगी, ये सेंटीमीटर में दिया था, कायम दिया था सेंटीमीटर में, इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10√2×2/2×10⁻², ये मीटर में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख दो, ठीक है, वैल्यू रख देंगे या इसको काट दो, ये हो जाएगा 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 5√2×10⁻²² का होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व नहीं करना है इसको, सॉल्व नहीं करना है अभी, ठीक। हमने ओ ए निकाल लिया, इसी प्रकार ओ सी निकालेंगे, ठीक है। देखिए जो ओ सी की वैल्यू निकालेंगे, एफ ओ सी जो वैल्यू निकालेंगे, तो बताइए सूत्र तो ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1/4π0 क्यू सी निकालेंगे और क्यू नॉट रहेगा अपान में ओ सी का होल स्क्वायर, ओ सी का होल स्क्वायर। हमने अभी बताया था कि ये वाला जो क्यू सी जो है, क्यू सी जो है किसके इक्वल है, क्यू ए के इक्वल है, ठीक है, और क्यू नॉट जो है सब में बराबर है, और ओ ए ओ सी सब सारे इक्वल हैं कि नहीं, तो इसलिए जो होगा ये वाला जो बल होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये वाला बल किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा, या तो देखो निकाल के देख लोगे तो यही आएगा 1/4π0, इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, क्यू सी की वैल्यू भी उतनी होगी, 2×10⁻¹ × 1×10⁻⁶ अपान में
5√2 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आया कि नहीं? अब देखिए, जब इसका हम नेट फोर्स यहाँ पर निकालेंगे, इसका नेट फोर्स क्या है यहाँ पर जब निकालेंगे, तो चूंकि इसकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं कि नहीं, इसमें रिपल्सन लग रहा था, और ये दोनों फोर्स हैं इक्वल। ठीक है, ये दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल, इसलिए हम ये कह सकते हैं। अच्छा, इसकी दिशा भी रह गई, अगर इसकी दिशा बताएंगे तो OA की ओर होगी, इसकी दिशा किधर होगी, OA की ओर, ठीक, दूसरे वाले की। और अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ OA और प्लस फोर्स ऑफ OC, इसकी वैल्यू जो होगी जीरो के इक्वल होगी। एज इट इज आपको क्या करना है, इधर वाला भी निकालना है, इसमें भी रिपल्सन लग रहा है क्योंकि सेम चार्ज है इसके डायगोनल पर। ठीक है, तो जब डायगोनल पर सेम चार्ज है तो इसमें क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा, दोनों बराबर हैं, तो इसका नेट जो होगा वो भी कितना होगा, जीरो होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चारों फोर्स जो लग रहे थे कहाँ पर, उसके सेंटर पर, उसका जो है कुल योग या नेट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं, इसको देखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। देखिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हम पढ़ रहे हैं, लिखा है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, ये भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सतत वक्र होती है अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती है, क्यों? ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है कि एक स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। ठीक है, देखिए जो एक विद्युत रेखा क्षेत्र होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, उसमें क्या होता है, वो एकाएक टूट इसलिए नहीं सकती है क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र रेखा उसके प्रत्येक बिंदु, यह दर्शाता है, मतलब उसका जो प्रत्येक बिंदु होगा वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, और जब उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है तो इसलिए जो है किसी एक बिंदु पर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा टूट नहीं सकती, इसमें यही लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को, जो कौन सी रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। प्रतिच्छेद मतलब होता है कि काटती क्यों नहीं है। देखिए अगर इसमें यही कह देंगे कि अगर इसका कटान बिंदु हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई भी क्षेत्र रेखा है उसका अगर कटान बिंदु हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो एक पार्टिकुलर कोई एरिया होगा, ठीक है, कोई क्षेत्र होगा, तो उसमें चूँकि डायरेक्शन लिखी जाती है, और जब कटान बिंदु हो जाएगा तो ये दो दो डायरेक्शन को जो है शो करने लगेगा। ठीक है, कोई भी एक रेखा है तो दो दो डायरेक्शन को शो करेगी, ऐसा असंभव है। ठीक है, ऐसा असंभव है, इसीलिए कोई भी क्षेत्र रेखाएँ जो है एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, अर्थात प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कशन करेंगे, और 14 तक डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाया था वो क्वेश्चन नंबर 14 तक ही है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन, उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि दो बिंदु आवेश QA 3 μC, ठीक है, और QB -3 μC निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया यहाँ पर जो है, ये मान लिया, ये तुम्हारा ये QA है, ठीक है, QA यहाँ पर मान लिया हमने, ये क्या है, ये QB है। ठीक, अब देखिए इसके चार्ज लिख लेते हैं, चार्ज कितने हैं, पहला जो है वो है 3 μC, ठीक, दूसरा जो है वो -3 μC, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर, कितने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में क्या कह रहा है, पहला पार्ट जो है ये है कि कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, ठीक है, के मध्य बिंदु O, ठीक है, ये A है और ये B है, इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट यहाँ पर है O, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, O
पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इसका वैद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए मध्य बिंदु ये ओ हो गया, ठीक। मध्य बिंदु ओ में क्या होगा, ये बराबर बराबर इसकी डिस्टेंस को जो है क्या कर देगा, बराबर बराबर जो दूरी है बांट देगा, तो 20 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर, अर्थात अगर इसको मीटर में लिखना चाहें तो 0.1 मीटर, और ये कितनी हो जाएगा, 0.1 मीटर, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा कि इसमें हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र, अर्थात इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी में सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो हम निकालेंगे कि आवेश Q A के कारण इसकी दिशा किधर होगी और आवेश Q B के कारण इसकी दिशा किधर होगी, ठीक है। देखिए दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होंगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो चार्ज दिए गए हैं, ठीक, जो चार्ज दिए गए हैं वो अपोजिट हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, इसलिए जो है ये इधर ही होंगी एक ही तरफ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें देखिए निकालना क्या है, सबसे पहले QA आवेश के कारण, किसके कारण, QA आवेश के कारण, QA आवेश के कारण, QA आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक। हम इसको EA मान ले रहे हैं, कितना मान ले रहे हैं, EA, बताइए फार्मूला हमने पीछे ड्राइव कराया था, बोलिए क्या होता है फार्मूला, फार्मूला सबको मालूम है कि नहीं मालूम है, ठीक है। फार्मूला जो होता है वो क्या होता है मालूम है, 1/4πε0 Q/, ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है, OA है पहले वाला, तो QA लिख लो, QA/OA का होल स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम QB के कारण निकालते हैं, QB आवेश के कारण, तो इसमें जो है EB निकलेगी, वो भी कितनी होगी, 1/4πε0 Q B/OB OB का होल स्क्वायर, ठीक। हम इसकी जो है अब नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्या नेट जो है इंटेंसिटी E निकाल रहे इसमें, तो क्या होगा, EA प्लस EB दोनों के एडिशन के इक्वल, ठीक। देखिए इसमें चार्ज आप कह रहे होंगे कि सर इसमें चार्ज जो है अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो देखिए हमने पहले भी बताया था कि इंटेंसिटी इज नॉट डिपेंडेड टू इट्स चार्ज साइन, ठीक है, चार्ज के साइन पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज का साइन केवल यही बताता है कि इसकी डायरेक्शन जो है किधर होगी, क्लियर है कि नहीं। ये पॉइंट जो है याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो दोनों जो इंटेंसिटी होंगे वो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये कहें कि EA जो है, EA जो होगा वो EB के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो दूरी भी इतनी है, ठीक है, और आवेश भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, साइन इज़ नॉट मैटर, ठीक है, यहाँ पर साइन मैटर नहीं कर रहा। तो EA की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, EA इक्वल होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2EA, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, 2 × इसमें रखेंगे 9 × 10⁻⁹, QA A की वैल्यू कितनी, 3 μC, तो 3 × 10⁻⁶ अपान में इसकी कितनी है, 0.1 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसको क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते कि नहीं, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और जो आंसर आएगा उसको जो हम लिखे दे रहे हैं, आंसर जो आएगा वो आंसर आ रहा है, आंसर आएगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं, दूसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, ये सभी लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है, वीडियो को रोक सकते हैं, ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे लिखा है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हम इसका दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, देखिए अगले पार्ट में जो है ये न्यूमेरिकल वाली सीरीज जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बता रहे थे वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 तक जो होंगे वो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस में जो है रखे गए हैं इससे संबंधित, ठीक है। अगला फिर डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जितने बचे हुए क्वेश्चन थे, इससे पहले हम इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहा है समझ लीजिए, पार्ट बी दिया गया है कि यदि 1.5
इंटू 10^-5 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश, इसे बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। क्लियर है? देखिए, हमने पहले इंटेंसिटी निकाल ली थी, इसके लिख लेते हैं क्योंकि वो डिपेंड करेगा उस पर। इंटेंसिटी निकाली थी 5.4 × 10^6। क्लियर है? अब देखिए, कोई परीक्षण आवेश रखा गया, परीक्षण आवेश को मान लेते हैं क्यू नॉट। हमने बताया था कि नहीं, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट, और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो इसमें लिखी गई है 1.5 × 10^-9। ठीक है? अब इस पर जो पूछ रहा है, इसका जो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स के लिए हमने बताया था कि इंटेंसिटी की जो डिफिनेशन होती है वो होती है E=F/Q0। क्लियर है कि नहीं? तो एफ इक्वल क्या लिखेंगे, F × Q0। ठीक है, सॉरी, F की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो F इक्वल होगा E × Q0। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी दी थी, 5.4 × 10^6 इंटू क्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 × 10^-9। ठीक है? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो हम लिखे दे रहे हैं, बाकी आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.1 × 10^-3 न्यूटन। ठीक है, -3 न्यूटन। ठीक है, जो और डायरेक्शन जो होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ओ ए दिशा में, जो पहले फिगर बनाया था उसमें देख लीजिएगा, डायरेक्शन जो है ओ से ए की ओर। ठीक है, जो डायरेक्शन है वो ओ से ए की ओर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 तक लगाइएगा, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।